हमारे मनीष भैया केला काट रहे हैं, काटिए भैया। ओ इतना पावर भाई। तो ये काट के कहा होगा का? हटियाओ कौन ऊपर फेंक दी उठा के। मनीष भैया कहा करता हो तू? ये देखिए बाहुबली, उसका काम नहीं है इसलिए वो बाहर फेंक दिए गए। मनीष भैया कैक्टस काटे थे यार, जान से ऐसे एकदम फेंक उन फों के ना इधर से कर ले उन फों के हवा कहां रहा। यहां पे केले का पेड़ सफाया जा रहा है, आप देख सकते हैं वो केले, इसको सफाया जा रहा है। इसको सफाएंगे नहीं तो ये पकेगा नहीं, तो इसको पूरा साफ किया जाएगा। इसको पूरा साफ करने के बाद इधर काफी हरियाली है। यहाँ पे गोभी, साग सब्जी और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको मर्ची का पेड़ दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्चा कैसा है, बैगनी बैगनी होता है यहाँ पे। ये देखिए बैगनी मर्चा होता है, लाल मर्चा भी है, पका था एक पपिस्ता हमने उसको खाया है। ये देखिए काफी केले के पेड़, ये देखिए इसमें भी केला है, इसको तोड़ दिया गया है नजर ना लग जाए इसको। आपको हम दिखाते हैं कटा हुआ केला, वेट कटे हुए केले को हम लोग भूसे में रख देते हैं जिससे वो पक जाता है गर्मी पाके। ये देखिए इस भूसे में रखा जाएगा इस केले को, उसके बाद ये पकेगा इसमें, उसके बाद निकाला जाएगा इसको। ये सब प्याज है, प्याज है ये सब। वो खराब हो गया का पूरा पेड़वा का एक ही बार? छटक के लग जाता कि फेंक देता करें। ये देखिए फल आए हैं लेकिन अभी तोड़े नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं। ये देखिए अमरूद भी आ चुका है इस पे, ये भी बहुत छोटा छोटा है। ये तो फरुआ है, फरुआ थोड़े ना बोड़ जाता है। ये भी केला है, इसको क्यों तोप दिया जाता है आगा? नजर लग जाता है इसके लिए इसको तोप दिया जाता है जिससे नजर ना लगे किसी का। अब सब कहेंगे इसको क्यों नहीं तोपा गया, ये बहुत ऊपर है इसलिए नहीं तोपा गया। हमारे मनीष भैया गुड़ाई कर रहे हैं, दर्द का राम मार दिया जो भी कमेंट करने जानते हैं। ये देखिए हर जोड़, ये दर्द के लिए बहुत काम आता है। ये सहजन है, सहजन का पेड़ है, ये भी सहजन का पेड़ आगा। नींबू, नींबू बताओ, नींबू में फूल आ गया? हाँ इसमें कहा बैठेगा, गाजर बैठेगा इसमें, नींबू वाला पेड़ देखो गिरा तो कहा कि वो हटी है।
यहाँ पे बहुत काफी हरियाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमरूद के पेड़, सबसे बड़ा अमरूद का पेड़ यही है। ये गोभी और ये आका इसमें कब बैठा है, इसमें कौन सा साग बताए, मेथी, सोवा, पालक, धनिया, सब कुछ। बीच में आम का पेड़ भी है, हाल ही में लगाया गया है, वो कलम किया हुआ। हाँ यहाँ पे भी है एक आम का पेड़, तो जब आम का पेड़ होगा तो इसको मनीष भैया गोड़ रहे हैं, गोड़ने के बाद इसमें आका बोल रहा है गाजर बैठाया जाएगा, अब गाजर बैठाया जाएगा। ये पीछे का हिस्सा है, ये पीछे, हाँ कोहड़ा भी दिखाना है आपको, रुकिए आपको कोहड़ा दिखाते हैं। कोहड़ा नहीं है वो, तो आका वो लौकी है, हाँ गोल वाला लौकी है, ये आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये गोल वाला लौकी है, यहाँ पे है, वहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये सब लौकी है, लौकी है। ये देखिए अमेजोन पे ये 50 रुपये का एक कंडी बिकता है हमारे गांव में भैया, कंडी कंडी है। हाँ अमेजोन पे बिकता है वो। मनीष भैया थके हो ना, थके हो ना, नहीं यार कबो किए हो काम, कबो काम किए हो, एक ही केला काटे हो का, ये दोनों का छोड़ दियो, अभी तैयार, इसी केले पाती पे खाना खाया जाता है गाइस, केरला वाले। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं दुकान पे, जाएंगे अनार का रस लेंगे, पहले स्टैंड उठा लो नहीं तो नहीं स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा। ये रहा हम लोगों का बड़ा वाला चौराहे का, हम लोग जाएंगे यहाँ से अनार वाले दुकान पे, वहां से रस लेंगे और अनार लेंगे। अरे घुमाए जो ना पतली गिरा उरा दी भाई, पतली यही गिरा दी तब तो हो ही जाएगा काम। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अनार वाली दुकान पे, यहाँ से आएंगे अनार लेंगे उसके बाद घर जाएंगे, अनार लेके उसके बाद घर जाएंगे, अनार भी लेना है और जूस भी लेना है। हम लोग अनार वाली दुकान पे, कभी नहीं होगा आकाश वाले घर पे चले गए थे, सीधा खड़ा कहीं तो भैया, अरे वो मेन रोड भैया ना जन, तुम सीधा खड़ा करो ना तो कोनो उड़ा के चल जाएगी। वो नहीं छूटेगा, कौन दवाई हो भैया। तो भैया जी हमारा अनार का जूस बना रहे हैं, उसको लेंगे उसके बाद घर जाएंगे। ये रहा ये रोड तो चला जाता है पाकट डाल की तरफ, और ये रहा मेन रोड जो कि जाएगा मेन चौराहे पे। चाकू बहुत खतरनाक है, 70 रुपए की एक थी,
मतलब एक टी या फिर किलो लो के हिसाब से। मशीन है चालीस के कहे 40 अंग्रेजी शुरू कर चलो लास्ट कहते दोनों बार एजेड A to Z खराब ना हो जाता है इसको खराब ना ये मन अलग अलग कहे तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे घर। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर। लोग यहाँ से घर जाएंगे। जूस मिल गया हमको। ये हमारा मेन चौराहा। आपने सुबह के टाइम देखा होगा, आज शाम के टाइम देखिए। ये रहा मेन चौराहा से अंदर जा रहे हैं लोग। ये देखिए रोड बन रहा है हम लोग के इधर। इधर जाम लग गया क्योंकि रोड बन रहा है तो जा पा नहीं रहे सब लोग, तो जाम लग रहा है। रोड जाम है इसलिए दूसरी रोड से हम लोग जा रहे हैं। अभी घर पहुंचेंगे थोड़ी देर में। वो देखिए कल भाई जाए गिर ना जाए यार। ये भी रोड चलने लगा। एक रोड में थोड़ा मैं और आगे और आगे। फिर हम लोग पहुंच गए महल के पास। बस एक रोक लो। ये रहा हमारे यहाँ के राजा के घर, जिसको हम लोग राजमहल कहते हैं। अंदर से बहुत खूबसूरत, लेकिन जा नहीं सकते हम लोग अंदर। सो गाइस हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। बहुत ऊंचा ब्रेकर बना है यार। मासो का मशहूर शराब ठेकी। मासो का मशहूर शराब ठेका यहीं पे है। सो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं। तो हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।